कई कई बार हम समाज से अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। हम सोचते हैं जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसे होने दो, और हम किसी भी तरह का झिझक नहीं करते हैं और सारे रूल्स और रेगुलेशंस सर झुकाए मानते हैं। लेकिन 1955 में एक औरत ने ये मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं अपने हक़ के लिए आखिरी वक्त तक लड़ूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं बात कर रही हूँ रोज़ा पार्क्स की। आपको उनका नाम पता होगा, याद होगा, लेकिन इस मोमेंट पे उनकी कहानी याद नहीं आ रही होगी, तो चलिए आपको बताते हैं उनकी कहानी। रोज़ा पार्क्स का जन्म 4 फरवरी 1913 अलबामा में हुआ था। जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती थी। उन्हें वहाँ बंदी बना के रखा जाता था, अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जाता था और उनका शोषण भी होता था। वो वहाँ से मॉन्टगोमरी चली गई और उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद 1955 की बात है, वो एक टेलर थी। उन्होंने जब वो अपने काम से घर की तरफ जा रही थी तो उन्होंने बस लिया। उस बस में क्या था कि 10 सीटें जो थी आगे वाली वो हमेशा ब्रिटिशर्स के लिए थी जो कि श्वेत हैं, और उनके लिए सीट्स मतलब हमेशा छोड़नी होती थी। और रोज़ा ने उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस माने और वो पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ गई। बाद में क्या हुआ, अगले स्टॉप पर एक और आदमी आ गया, एक और ब्रिटिशर आ गया, और ड्राइवर ने कहा कि रोज़ा मतलब आप उठ जाओ क्योंकि यू आर अ ब्लैक वुमेन और आपको मानना पड़ेगा। रोज़ा वहाँ से नहीं उठी। रोज़ा ने कहा ये मेरी सीट है और मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। इसके बाद उन्हें $10 के भुगतान भी करना पड़ा, उन्हें $4 और देने पड़े एडवोकेट को, और उनको जुर्माना लगा, उनको बंदी भी बनाया गया, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस वक्त उन्होंने और लोगों को इन्फ्लुएंस किया और ब्लैक्स को इन्फ्लुएंस किया, और उन्होंने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, ये कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहले तो हमें बैठने देने के लिए एक इतना बड़ा चार्ट बनाया गया कि हम पीछे बैठेंगे, ऊपर से जब वहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो किसी और के लिए भी हमें छोड़ना पड़ेगा। वहाँ से स्टार्ट हुआ सिविल राइट्स मूवमेंट्स की लड़ाई। अब इसके साथ क्या हुआ, एक साल तक सारे ब्लैक्स ने बसेस को बायकॉट किया और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन अगले साल यानी 1956 में ये मुहिम डालनी पड़ी कि अब ऐसा नहीं होगा। रोज़ा की एक नो ने, मैं अपनी सीट से नहीं उठूंगी वाली बात ने कितने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, और सुप्रीम कोर्ट भी मजबूरन उन्हें अपना फैसला सुनाना पड़ा। तब से सिविल राइट्स मूवमेंट्स की मदर कहा जाता है रोज़ा पार्क्स को। रोज़ा पार्क्स के लिए बहुत सारे नारे लगा गए और लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत दी। 92 साल की उम्र में 2005 में उनका निधन हो गया। बैरक ओबामा ने भी उनके लिए मूर्ति बनवाई, और वो फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी जिनकी मूर्ति अमेरिका में बनाई गई है। जब वो 100 साल की हुई, मतलब जब उनका 100वां सेलिब्रेशन की गई थी 2013 में, तो बैरक ओबामा उस बस में बैठने गए थे जिस बस में रोज़ा पार्क्स उस सीट पे बैठी थी। बैरक ओबामा ने उस सीट पे बैठे और उन्होंने कहा, जब लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे क्यों बैठना चाहते हैं, उनकी सीट पे क्यों बैठना चाहते हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो बात ये थी कि मैं महसूस करना चाहता हूँ कि कैसा लगता है उस रेवोल्यूशनरी वुमेन की सीट पे बैठना, जहाँ पे वो हम में से ही एक थी लेकिन उन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया। तो मुझे बैरक ओबामा की बात बहुत इंस्पिरेशनल लगी। रोज़ा पार्क्स की कहानी तो इंस्पायरिंग है ही, लेकिन इस पूरे वीडियो में से सिर्फ एक मॉरल याद आता है, और वो यही कहता है कि हम सब एक हैं, और हम सब कंपैरिजन जो ये होते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन सबसे ऊपर हैं, और हम लोग छोटे नहीं हैं। यानी हमारी पब्लिक में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि हम कुछ भी बदल सकते हैं। कि जब भी आप लोग नाइंसाफी देखे हो, जब भी आप लोगों को लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, और ये बिना सोचे कि आप कमज़ोर हैं या नहीं, क्योंकि वो आपकी जो आवाज़ है, चाहे वो कम क्यों ना हो, लेकिन वो आवाज़ कुछ ना कुछ करेगी और वो इतिहास को ज़रूर बदलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं हम कल अपनी नई वीडियो के साथ।